श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा, जल क्रीड़ा, भद्रकाली या अचला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने वाले जातकों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हम आपको साल 2023 ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी व्रत तिथि पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, नियम, महत्व और इस दिन किए जाने वाले लाभकारी उपायों के बारे में बताएंगे। अपरा एकादशी के दिन व्रती को चाहिए कि सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लें। विष्णु प्रतिमा को गंगा जल से अभिषेक कर तिलक के बाद शुद्ध घी का दीपक जला लें। अब सभी पूजा सामग्री, पीले फूल, तुलसी दल अर्पित कर पीले फल या मिठाई का भोग लगाएं। माना जाता है कि बिना तुलसी भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते, इसलिए भोग में तुलसी पत्र शामिल करें। पूजा में विष्णु मंत्रों का जाप कर व्रत कथा का पाठ और आरती कर लें। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करना शुभ होता है। एकादशी के व्रत में चावलों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी क्रोध नहीं करना चाहिए, इससे घर की सुख समृद्धि में कमी आती है। एकादशी के व्रत में तामसिक चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी का उपवास करने वाले को दशमी के दिन से लेकर द्वादशी तक मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। अपरा एकादशी को अपार धन देने वाली एकादशी माना गया है। मान्यता है कि अपरा एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान के बाद सूर्य देव को एक लोटा जल अर्पित करें। इस दिन पूजा के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। साल 2023 में अपरा एकादशी 15 मई दिन सोमवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि शुरू होगी 15 मई 2023 की रात्रि 2:50 पर। एकादशी तिथि खत्म होगी 16 मई 2023 की रात्रि 1:05 पर। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त होगा 16 मई 2023 को सुबह 6:43 से लेकर सुबह के 8:13 तक रहेगा। कुल अवधि रहेगी 1:29 तक। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आने पर मेरे चैनल इंडियन एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना ज्यादा हो लाइक और शेयर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।